हाय एवरीवन गाइस, आईटी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एक नया लॉ लेकर आई है। ओके, ये लॉ जो है 27 जुलाई को लागू हो सकता है। ये लॉ साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने और साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए लाया गया है। आईटी मिनिस्ट्री का तो खैर यही कहना है, बाकी आज की इस वीडियो हम लोग इसी लॉ के बारे में जानेंगे। मतलब ये जो लॉ है, ये लॉ जो साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए लाया गया है, ये क्या सच में काम करेगा भी, और क्या ये जो लॉ है ये साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए लाया गया है या कुछ और इसके पीछे का रीज़न है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, थंबनेल और टाइटल में आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा होगा, ये लॉ जो है मेनली वीपीएन के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ किस किस की कैटेगरीज के ऊपर अफेक्ट करके, लेकिन सबसे पहले हम लोग वीपीएन के बारे में जानते हैं, क्योंकि मेनली जो है हम इस वीडियो में वीपीएन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। वीपीएन गाइस एक प्रकार का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। आपकी भाषा में अगर समझाया जाए तो आप लोग वीपीएन का यूज़ करते हो ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए जो वेबसाइट्स इंडिया में बैन है। ओके, और टेक्निकली भाषा में वीपीएन का मतलब होता है कि हम लोग अपनी प्राइवेसी जो है उसको सेफ रखने के लिए वीपीएन का यूज़ करते हैं। ओके, सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि जो ये लॉ है ये किस किस कैटेगरीज की कंपनी के ऊपर असर डालेगा। ठीक है, और इसका ठीक है तो बात करते हैं। सो गाइस, ये जो लॉ है ना, ये मेनली गवर्नमेंट लाई है तीन कैटेगरीज के ऊपर। पहली कैटेगरी है वो वीपीएन ही है। वीपीएन जितनी भी वीपीएन की कंपनी है, वीपीएन की जो एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो, फेमस में अगर मैं फेमस एप्लीकेशन का नाम हूँ तो वो एक्सप्रेस वीपीएन या नॉर्थ वीपीएन। उसके अलावा भी बहुत सारे फ्री वीपीएन भी होते हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। उसके अलावा डेटा सेंटर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी ये लॉ लागू किया जाएगा। उसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसीज होती है, क्रिप्टो करेंसीज भी एनोनिमसली ही यूज़ करी जाती हैं, इसीलिए उनके ऊपर भी ये लॉ लागू किया गया है। ठीक है, और इस लॉ के अनुसार होगा क्या मैं ये बताता हूँ। तो इस लॉ के अंडर गाइस ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई ना, वीपीएन कैटेगरी, वीपीएन हो गई, डेटा सेंटर्स हो गए, एंड उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एक्सचेंज की जो करेंसी है जैसे कि कॉइन, स्विच, कुबेर हो गया, ये क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज करते हैं ना, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स को क्या है ना कि अब यूज़र्स का डेटा जो है वो अपने पास सेव रखना पड़ेगा लगभग 5 साल तक। यानी कि वो यूज़र से डेटा कलेक्ट करेंगे, उनका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ कलेक्ट करेंगे एंड देन अपने पास सेव कर रखेंगे 5 साल तक। और फिर जब गवर्नमेंट उस 5 साल के अंदर इन कंपनी से कभी भी यूज़र्स का डेटा उनसे मांग सकती है इमरजेंसी के दौरान उन्हें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो इस लॉ से ये होगा। अब गाइस, ये जो लॉ है ये आखिर कंपनीज जो हैं, ये जो कैटेगरीज में रहता है, ये कैटेगरीज की कंपनी जो है ये आपसे इस लॉ के अनुसार कौन कौन सा डेटा आपका अपने पास सेव रखेंगी। तो इसमें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, उसके अलावा आपका जो आईपी एड्रेस है वो, एंड उसके अलावा आपका जो घर का जो एड्रेस है वो, उसके अलावा पर्पज़ यानी कि आप लोग किस पर्पज़ के लिए उस वीपीएन सर्विस या फिर डेटा सेंटर सर्विस या फिर जो क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विस है किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो। यानी कि अगर आप लोग वीपीएन सर्विस यूज़ कर रहे हो किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए तो आपको उसको बताना पड़ेगा। मतलब आप तो बताओगे नहीं, आप तो डायरेक्ट उसको यूज़ कर लोगे, लेकिन जो वो वेबसाइट है, जैसे मान लो आप नॉर्थ वीपीएन का यूज़ करके किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, तो जो नॉट वीपीएन है वो आपका वो डेटा सेव कर लिया कि हाँ भाई इस बंदे ने इस वेबसाइट पे जाने के लिए मेरी सर्विस का यूज़ किया। तो सोचो जरा आपकी प्राइवेसी कहाँ चली गई है। अब आप लोग वीपीएन का यूज़ करके कुछ भी, यानी कि वो कुछ भी नहीं दे सकते, समझ गए ना। सो गाइस, गवर्नमेंट के अनुसार टोटल जो है मेनली 20 मेन वर्नेबिलिटीज के को नज़र में रखते हुए ये लॉ लाया गया है। ठीक है, उन 20 वर्नेबिलिटीज़ में सोशल मीडिया हैकिंग, सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैक हो जाते हैं वो, एंड उसके अलावा जो डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो हैक हो जाते हैं, कभी कभी डेटा जो लीक आप सुनते हो ना तो ये सब लीक हो जाते हैं। तो इन सब की सिक्योरिटी के लिए जो ये लॉ लाया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट का ये कहना है। एंड गाइस, अगर आप लोगों को वो टोटल 20 वर्नेबिलिटीज़ की लिस्ट देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सोर्स की लिंक दे दूंगा, आप लोग जा करके वहाँ से वो टोटल की 20 जो वर्नेबिलिटीज़ लिस्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है आप लोग वो देख सकते हो। सो गाइस, अगर जो वो कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, चाहे नॉर्थ वीपीएन हो, एक्सिस वीपीएन हो, या फिर कोई डेटा सेंटर वाली कंपनी या कोई कॉइन स्विच क्यूबर कंपनी, अगर ये कंपनियां इस लॉ का पालन ना करे तो फिर उन कंपनी के साथ क्या होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर जो भी कंपनी इस लॉ का पालन नहीं करेगी उसको 1-8 साल की सजा हो सकती है। क्या तो वैसे तो मैंने आर्टिकल पर इंडियन एक्सप्रेस का उसमें लिखा था 1 साल अ ईयर लिखा था, यानी कि 1 ईयर का जो उसको प्रेजेंट हो सकता है, बाकी आगे और भी ये चीज़ें बढ़ सकती हैं या फिर कम हो सकती हैं। तो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ इस वीडियो का, मेन मकसद जो है इस वीडियो का क्या है, यानी मतलब इस जो लॉ है इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारे जो नॉर्मल लोग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये जो लॉ है ये साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए आएगा, क्या इसका असर पड़ेगा भी। चलिए इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। गाइस, मेरे हिसाब से हो सकता है ना कि जो ये लॉ है इसका असर छोटे हैकर्स पे पड़ जाए। छोटे हैकर्स मतलब जो ऐसे वैसे होते हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैक करते हैं, इन सब पे असर पड़े इसका, वो लोग वीपीएन सर्विस यूज़ नहीं कर पाएंगे। वीपीएन सर्विस का यूज़ करके जो जो आउट ऑफ कंट्री हमारे वेबसाइट्स होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट जो बड़े हैकर्स होते हैं ना गाइस उनके ऊपर इस लॉ का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो वीपीएन होते हैं ना वो तो हैकर कोई भी खुद ही बना लेते हैं। यार मैं आपको एक वीडियो में बता सकता हूँ कि एक वीपीएन कैसे बनता है, समझे। तो वीपीएन बनाने इज नॉट बिग डील। ओके, आप लोग भी वीपीएन बना सकते हो तो इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो इस लॉ का जो मेन असर है ना मेरे हिसाब से वो नॉर्मल पीपल पे पड़ने वाला है,
क्योंकि जो नॉर्मल बंदा है, हम और आप जैसे लोग, ये लोग अब VPN यूज़ नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो VPN जो कंपनीज है ना, उन कंपनीज के ऊपर इस लॉ का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। उन कंपनीज को जो है अपने खुद के डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, या तो वो किसी और से डेटा सेंटर खरीदेंगे, समझे। इसीलिए जो ये लॉ है ना, ये डेटा सेंटर्स के ऊपर भी लागू किया गया है, समझे आप। तो जो कंपनी VPN बनाएगी, उस VPN बनाने वाली कंपनी को अब अपने लिए एक डेटा सर्वर खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। अब जो VPN कंपनी आपको फ्री में VPN सर्विस प्रोवाइड करती है, अब वो आपसे पैसे लेगी, क्योंकि उसे पैसे लेकर के अपना डेटा सर्वर के फीस भी तो भरनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो नॉर्मल जो छोटी मोटी फ्री VPN सर्विस आपको फ्री VPN सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो कंपनी सब बंद हो जाएंगे, समझे आप। तो आप लोग अब फ्री VPN यूज़ नहीं कर पाओगे शायद से आने वाले टाइम में। उसके अलावा जो पेड VPN कंपनी से लाइक एक्सप्रेस VPN, नॉट VPN, ये भी अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से हो सकता है जा सकती हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है, जिसके अनुसार जो नॉट VPN है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वो अब हो सकता है कि इंडिया से अपने जो VPN सर्विस है उसको हटा दें। तो समझे ना गाइस, तो गवर्नमेंट का टोटल अब क्या करना है, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी भी VPN को बैन नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने ये लॉ लाया कि अब जो VPN कंपनीज है, उनको अपने अपने डेटा सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे। इससे डेटा सर्वर जो VPN कंपनी है उनके ऊपर भार पड़ेगा, उन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे। तो जो छोटी मोटी VPN कंपनी है वो बंद हो जाएंगी। तो इनडायरेक्टली आप लोग VPN यूज़ नहीं कर पाओगे, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने VPN जो है बैन कर दिया है, और इसका असर हैकर्स पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, यानी कि साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा, असर बिल्कुल पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो सबसे खतरनाक जो हैकिंग जो अटैम्प्ट होते हैं ना, उन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हैकर जो बड़े बड़े अटैम्प्ट करते हैं, वो लोग अपना तरीका निकाल लेंगे। यार वो हैकर है ही किस लिए? क्या वो गवर्नमेंट की छोटी मोटे लॉ से डर जाएंगे? नहीं, वो कुछ ना कुछ निकालेंगे। तो गवर्नमेंट को कहना है कि ऐसे लॉ नहीं लाने चाहिए गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल से। तो मैं अपनी वो बता रहा हूँ, अपनी राय, कि गवर्नमेंट को जो है ना, इससे इस लॉ को ना ला करके कुछ ऐसी अपनी खुद की एक ब्रांच या अपनी खुद की एक टीम बनानी चाहिए, जो हैकर्स को पकड़े, जो हैकर्स को ट्रैक करे, ना कि VPN को बैन करते रहिए। तो ठीक बात नहीं, इससे नॉर्मल पीपल्स के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, आपके और मेरे जैसे लोगों पे, मेरे पे तो कहीं, आप जैसे लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब आप लोग VPN यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आप लोग इस लॉ के बारे में क्या सोचते हो, आपके विचार क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।